नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TGT PGT आर्ट में। आप सभी अध्यापक गणों का स्वागत है। अध्यापक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भविष्य में आपको अध्यापक बनना ही है, ठीक है। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना नारा आपकी बार TGT पार, ठीक है। अमृता सिरगिल आज में पढ़ना है, ये एक और प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। दो तीन चित्रकारों को भी हम और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना पढ़ाई हम शुरू करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कल से, हो सकता है आपको और अधिक संख्या में वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। और धीरे धीरे आज आपका टेस्ट भी होना है, शाम को 9 बजे टेस्ट होगा, जिसमें मैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं पहले। अमृता सिरगिल, ठीक है। अमृता सिरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक है। कुछ दिन पहले रणबीर कपूर का एक गाना आया था जिसको आपने खूब देखा था, ठीक है। चन्ना मेरिया वाले जो फिल्म में वो एक गाना शूट करते हैं जाकर के यूरोप में, वो हंगरी में ही शूट करते हैं, ठीक है। और वो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जहाँ पर अमृता सिरगिल का जन्म हुआ था, ठीक है। अमृता सिरगिल की माता एक हंगेरियन महिला थी, यानी कि जो उनकी माँ थी वो हंगरी की थी, जबकि उनके पिता एक भारतीय थे, ठीक है। उनके पिता एक भारतीय थे। उन्होंने भारतीय कला के आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अजंता गुफाओं की वॉल पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफा कहाँ है वर्तमान में, किस स्टेट में है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात पता होगी, ठीक है। वो अजंता की गुफाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और 5 दिसंबर 1941 को पाकिस्तान स्थित लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में मोटा माटी एक जो है जानकारी है। चलिए थोड़ा विशेष बात देख लेते हैं जो इनसे संबंधित है, जिनसे परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं, ठीक है। पेरिस में लूसिया साइमोन के नेतृत्व में अमृता सिरगिल ने कला की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। ये सवाल दो है और दो बार पूछा गया है TGT में। सबसे पहली बात तो ये है कि अमृता सिरगिल ने शिक्षा कहाँ पाई आर्ट की, तो पेरिस में पाई। और दूसरी बात ये है किसके नेतृत्व में पाई, यानी कि उनके शिक्षक कौन थे, टीचर कौन थे, तो वो थे लूसिया साइमोन। कौन? लूसिया साइमोन, उन्हीं के नेतृत्व में अमृता सिरगिल ने कला की शिक्षा ग्रहण की। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अमृता सिरगिल ने एक स्टूडियो भी स्थापित किया था। 2011 के TGT में सवाल पूछा गया था, ठीक है। 2011 के TGT में सवाल पूछा गया था और कि अमृता सिरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया था, तो पेरिस में स्थापित किया था, ठीक है। तो ये आगे से आप ध्यान रखेंगे। अमृता सिरगिल को भारत का बायरन कहा जाता है। बायरन एक अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, उनके अमृता सिरगिल की तुलना बायरन से की जाती है, ठीक है। सिरगिल के चित्रों में विषाद का भाव ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। विषाद मतलब दुख, कष्ट, इसका भाव ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने भारत के ग्रामीण परिदृश्य को देखा। वो शादी करने के बाद में आती हैं उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक गांव में वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं, 3 साल रहती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिरगिल ने भारत के ग्रामीण परिदृश्य को दिखाने की ज़्यादा कोशिश की है, इसीलिए उनके चित्रों में ज़्यादा विषाद दिखाई देता है। यामिनी राय, जो कि बंगाल कला शैली की एक चित्रकार हैं, उन्होंने सिरगिल के चित्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उसकी सराहना की, ठीक है। किसने? यामिनी राय ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सवाल भी TGT में पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सिरगिल के चित्रों की पहली प्रदर्शनी भारत में 2 फरवरी 1937 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाई गई, ठीक है। सिरगिल का जीवन बहुत छोटा था लेकिन काम उनके बहुत बड़े थे, ठीक है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि उनका जन्म होता है 1913 ईस्वी में और 1941 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो जीवन का कालखंड है वो छोटा है, लेकिन उनके किए गए काम जो है काफ़ी बड़े हैं, जिस वजह से वो आज प्रसिद्ध चित्रकारों में गिनी जाती हैं। मुंबई के ताज होटल में सिरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको कई बार लगता होगा कि बोरिंग हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का अपना खुद का चयन है कि वो किस तरीके से सवाल पूछेंगे, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में बस इतना है कि आप तैयारी कर लीजिए, कुछ भी छोड़ के मत जाइए, ठीक है। सिरगिल मुख्यतः पाल गिगन नामक चित्रकार से प्रभावित थी, ये सवाल भी पूछा गया है। कहीं पर गायगन लिखा हुआ है, कहीं पर गिगन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। गिगन नामक चित्रकार से प्रभावित थी। अमृता सिरगिल ने सर्वाधिक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक अमृता सिरगिल के सर्वाधिक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित हैं, ठीक है। जो इनका जिप्सी गर्ल और ये सारी कई इनकी तस्वीरें हैं जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित हैं, ठीक है। सिरगिल को उनके चित्र भारतीय लड़कियों पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इसको आप जो है इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रख लेंगे। अमृता को उनके टोर्शो नामक चित्र पर ग्रांड सोलोन पुरस्कार मिला, ठीक है। यह सवाल TGT में पूछा गया है और संभवतः फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है।
22 नवंबर 2018 को भारत में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू, द लिटिल गर्ल इन ब्लू की 18.69 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। अब कल्पना कीजिए कि शेरगिल के चित्रों की कीमत कितनी ज़्यादा है, और ये सवाल भी उतना ही कीमती उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। 2016 में TGT का एग्ज़ाम हुआ था, अब फिर 2021 में होने जा रहा है, उसके बीच में नहीं हुआ है, और 2018 में बोली लगी है, तो इस बात की अत्यधिक संभावना अत्यंत संभावना है कि ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको आप बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, देखिए जो घटना कला से संबंधित 2016 से 2022 के 20 के बीच में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 3 वर्ष उन्होंने अपनी शादी के बिताए, 1938 में उन्होंने अपने दूर के भाई विक्टर इगन से शादी कर ली। देखिए यहाँ पर मैंने दूर के भाई इसलिए लिखा क्योंकि दो किताबों में अलग अलग व्याख्या लिखी हुई है विक्टर इगन के बारे में, और वो ये है कि कुछ लोगों ने लिखा है कि विक्टर इगन अमृता शेरगिल की ममेरे भाई थे, कुछ लोगों ने लिखा है कि वो चचेरे भाई थे। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन था तो इसीलिए मैंने दूर के भाई लिख दिया है। ठीक है, अब जैसा भी आपको मिल जाए आप देख लेंगे, वैसे कजिन लिख करके अगर आता है तो जो है ये ज़्यादा सही, मुझे लगता है कि सटीक होगा कि चचेरे भाई ममेरे भाई कजिन दोनों, कजिन में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जब हिंदी में यही दिक्कत होता है क्योंकि इंग्लिश में कजिन बोल दिया जाता है। ठीक है, 1938 में उन्होंने दूर के भाई विक्टर इगन से शादी कर ली। शादी के 3 वर्ष बाद जो है शादी की, उसके बाद में वो चली आती हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ पर वो 3 वर्ष अपने जीवन का बिताती हैं 1941 तक, और 1941 में ही वो लाहौर जाती हैं जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 28 वर्ष की अवस्था में। आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टूडे तथा ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया शेरगिल की प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो इनकी 3 प्रमुख कृतियाँ कौन कौन हैं, आर्ट एंड इंस्पिरेशन और इंडियन आर्ट टुडे तथा ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया शेरगिल की प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, शेरगिल के चित्रों में लाल तथा पीले रंग का सशक्त और आत्मव्यंजक प्रयोग मिलता है। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं रंगों को पूछती हूँ, तो ये उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है टेस्ट के माध्यम से कवर हो जाएंगी, जो कुछ छूटा होगा, बाकी मैंने कोशिश की है कुछ भी छूटे ना, 2-3 किताबों का इसमें कंक्लूजन है, कुछ इंटरनेट के भी इनपुट्स हैं, और बाकी मेरा रिसर्च से भी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और शेरगिल हमेशा पूछी जाती हैं क्योंकि इनकी काफ़ी चर्चा होती रहती है, करंट में भी इनकी चर्चा होती रहती है, तो आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखेंगे, और एक एक चित्र जो इन्होंने बनाए हैं उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जिप्सी गर्ल, युवतियाँ, पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियाँ, भिखमंगे, टोरशो, गरीब मजदूर, ब्रह्मचारी, ये गलत दिखावा, ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी है, वधु का श्रृंगार, बाजार जाते हुए दक्षिण भारत के लोग, गणेश पूजा, हाथी स्नान, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, फल बेचने वाले, नारी, लड़कियाँ, ग्रामीण दृश्य, ये ग्रामीण होगा यहाँ पर, ग्रामीण लिखा हुआ। ठीक है, क्या होगा, ग्रामीण दृश्य। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और आपको हर हाल में टेस्ट में आज सम्मिलित होना है। कई सारे विद्यार्थियों ने सजेस्ट किया कि टेस्ट का टाइम 9 बजे रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट का टाइम 9 बजे है। आज टेस्ट के सवाल ज़्यादा होंगे, हर बार 10 ही सवाल होते, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा होंगे, जो क्लास पर आधारित होंगे, इससे पहले जो क्लास हुई हैं उन पर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं टेस्ट में, और अगर एक बार में आपको याद चीज़ें याद नहीं हो रही, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे, नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।